सो क्लास 7 विद्युत धारा और इसके प्रभाव में आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का दूसरा प्रभाव। पहला प्रभाव कौन सा था? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जिस तरीके से आपने तापीय प्रभाव के बारे में जाना था, बिल्कुल उसी तरीके से चुंबकीय प्रभाव होता है विद्युत धारा का। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए और उस तार को किसी भी सब्सटेंस पे अगर कुंडली बना दी जाए, कॉइल बना दी जाए, तो वह चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाती है और इसे ही हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। यह इसकी परिभाषा है। अच्छा बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखा था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्न। उन्होंने क्या देखा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, उसके पास अगर कोई भी मैग्नेटिक कंपास रख दी जाए तो उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, अर्थात उसकी सुई में विक्षेप होता है। उनका नाम क्या था? हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्न। ये एक्सपेरिमेंट हम खुद भी करके देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक कार्डबोर्ड की ट्रे पे अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास रख दे और जिस कार्डबोर्ड ट्रे में हमने वो मैग्नेटिक कंपास रखा है उसके अगर हम लपेटे लगा दें उस तार के, तो मैंने अभी आपको बताया वो तार किसकी भांति बिहेव करता है, एक चुंबक की भांति, एक मैग्नेट की भांति। तो क्या होगा, जैसे ही उसकी फ्री वायर्स को हम एक प्लग में प्लग इन कर देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होता है वह जो पूरा तार था वह चुंबक की तरह बिहेव करता है। और यही ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्न ने कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें नीडल में डिफ्लेक्शन होती है, पर अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। इसका मतलब अब वह चुंबक की तरह बिहेव नहीं कर रही है। इसी फंडे को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में। क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या विद्युत चुंबक, इसे समझने के लिए एक सिंपल सी बात देखिए। अगर एक कील ले ली जाए, इस कील को अगर तारों से लपेट दिया जाए और इस तार को उसके बाद कनेक्ट किया जाए एक स्विच से, इस स्विच को कनेक्ट करें हम एक सेल से, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही ये स्विच, जब तक ये स्विच ऑफ है इस विद्युत परिपथ के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, पर जब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं, इस परिपथ को बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, विद्युत धारा सेल की वजह से इस परिपथ में फ्लो करेगी। और विद्युत धारा फ्लो करने की वजह से क्या होगा, यह जो तार है, जो कुंडली बनाई हुई है हमने इस कील के ऊपर, यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी। और ये हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर हम इसके पास और कील लेके आए छोटी छोटी तो ये फटाफट से इससे चिपक जाएंगी, पर ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर परिपथ बंद है, मतलब स्विच ऑन है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो गया, अब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा नहीं बह रही है, तो क्या होगा, ये जो कील जो थी, जो इससे चिपकी हुई थी, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी हुई थी, अब ये कील इससे अलग हो जाएंगी क्योंकि ये चुंबक नहीं रहा। तो यह कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का या विद्युत चुंबक का। विद्युत चुंबक को बहुत सी चीजों में यूज किया जाता है, कई खिलौनों में, मोटर्स में, जनरेटर्स में, इनफैक्ट क्रेन्स में, जिससे कि हैवी लोड को उठाया जा सकता है, ये बहुत स्ट्रांग बनाई जा सकती है अगर मैग्नेट को और स्ट्रांग रख दिया जाए और विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो भी और स्ट्रांग कर दिया जाए।
तो इससे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बन सकती हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी काफी अप्लायंसेज में, अपने टेस्टिंग अप्लायंसेज में इसको यूज करते हैं, जैसे एमआरआई टेक्नोलॉजी जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही बेस्ड होती है। और कई बार आंख में भी अगर कुछ मैग्नेट का छोटा सा पीस गिर जाता है तो डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करके ही उसको निकालते हैं। इसी का एक फंडा जो यूज होता है वो है एक विद्युत घंटी में, इलेक्ट्रिक बेल। उसके बारे में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन रिवाइज दिस कंसेप्ट। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।